वाकई चाला पट गया पूरा लठ गट गया लठ गर्म पानी की भी व्यवस्था थी, ठंडे पानी की भी, पीने का, कॉफी, चाय, मतलब ए टू जेड जो हमको चाहिए। हरियाणा से ये लोग आए हैं और मेरे को पता नहीं है उसका मतलब क्या होगा, पर चाला फाट दिया इन्होंने बोला है, मतलब एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। अभी आप जैसे पूछ रहे थे ना भाई कोई कमी, तो मैं भी सोच रहा था लेकिन मेरे को कुछ बताने लायक लगा नहीं ये था वो हमको सब कुछ मिला। कल हमने टिम्बर ट्रेल होटल के बारे में जानकारी दी थी और टिम्बर ट्रेल के बारे में जानकारी दी थी और आज हम पहुंचे हैं कुमारटी के पास में, एक नया होटल खुला है और ली हेलिसियन उसका नाम है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया होटल यहां पर बना है और तो बस हम यही जानने पहुंचे थे कि आखिर बढ़िया क्या है, बढ़िया बिल्डिंग बना देना एक क्या बढ़िया होटल होता है या इसमें जो सर्विसेज भी दी जा रही हैं वो अच्छी हैं। बस यही रिव्यू करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और हम यहाँ के जो लोग यहाँ पर आए होंगे या जो टूरिस्ट यहाँ पर आए होंगे बस उनसे ही हम जानकारी हासिल करेंगे आखिर इस होटल में खूबियाँ है भी या सिर्फ होटल ही बढ़िया बनाया है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक दो तीन चार, चार स्टोरी ये जो बिल्डिंग है वो बनाई है और जंगलों के बीच में है और जहाँ तक मुझे मालूम है ली हेलिसियन जो ये हेलिसियन होता है उसका नाम होता है शांति, और शांति तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, हरे भरे पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं पेड़ों के बीच में ये जो होटल है ये बनाया गया है। अब यहाँ पर जानकारी हासिल करते हैं और यहाँ पर जो टूरिस्ट आए होंगे उन्हीं से पूछेंगे क्योंकि होटल के वाले लोग हैं वो तो यही कहेंगे कि हाँ हमारा होटल तो बहुत बढ़िया है, बट लेकिन लोगों को क्या कहना है जो यहाँ पर आए हैं, आइए उनसे जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुम्हारहट्टी में एक नया होटल खुला है, उसका नाम ली हेलिसियन है और जो यहाँ पर गेस्ट आए होंगे हम उनसे बात करेंगे, तो कुछ गेस्ट पीछे खड़े हैं और जाने की तैयारी में हैं और हमने उन्हें रोक लिया है और उनसे ही जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सर क्या आप पहले तो आप बताइए कि आए कहाँ से हैं? मेरा नाम वेद प्रकाश मित्तल है और हम लोग पानीपत JCI के मेंबर हैं। यहाँ पर जानना चाहेंगे, होटल तो बहुत बढ़िया लग रहा है, देखने में भी बहुत अच्छा है, पर अंदर जो सर्विसेज है वो तो अमूमन जो बोलते हैं कि बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छी है, और लेकिन असली में तो जो कस्टमर जो अंदर रह के जाता है वो ही बता पाता है कि हाँ वाकई है कि नहीं है। अब आप बताओ कि कैसे लगा आपको यहाँ पर, क्या वाकई ठीक है या सो है कि हाँ थोड़ा सा नया है, थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है क्योंकि नया होटल खुला है, क्या कहेंगे सर? नहीं नहीं, हम लोग को भाई एक्सपेक्टेशन तो होती हैं, जैसे हम लोग आए भाई कहाँ पे होगा कैसा होगा, लेकिन कैसे आए और हम लोग का वेलकम हुआ, हाँ हाँ हम लोग को बहुत अच्छा लगा और जो है रूम्स वगैरह बहुत मतलब एडवांस थे हर चीज़, मतलब उसमें चाहे वाशरूम हो या बेड्स हैं, कमरे हैं, लाइटिंग्स हैं और बहुत अच्छी सर्विस थी जी। हम लोग को मतलब हम लोग जो है खुद ही बार बार जो है बात कर रहे थे आपस में कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, नया है, नए के हिसाब से जो है बहुत अच्छी रूम से सर्विस भी बहुत अच्छी थी और जो भी हमने यहाँ पे खाया पिया आइटम सब बहुत अच्छी थी। नाम काफी पेचीदा सा है, पहली बार में स्पेलिंग भी ना दिक्कत ही पड़ जाती है, अभी तक भी नहीं अभी तक हम वैसे मैं आपको बताऊं ली हेलिसियन इसका यानी कि बोलते हैं हेलिकॉन नहीं है, हेलिसियन और हेलिसियन का मतलब होता है कि शांति, आपको शांति मिली वैसे? शांति तो मतलब ये लगी कि ज्यादा ही शांति, ज्यादा ही शांति लगी, मतलब जो जिस चीज के लिए हम आए थे, मतलब जैसे शहर में तो कहीं कहीं शांति है ही नहीं जी, बाकी यहाँ आके वाकई में ये लगा रिलीफ, मतलब बहुत रिलीफ लगा। वैसे अगर जैसे शिमला जाते हैं, शिमला पे होटल्स है, आप पहले भी गए होंगे, पर लेकिन वहाँ पर चलना बहुत पड़ता है, ये है कि रोड साइड पर है और थोड़ा सा शांत है और शायद आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और जंगल के बीच में बना हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा फीचर मेरे ख्याल से ये लगता है। बाकी आप बताइए कि हाँ ओवरऑल व्यू क्या है? बस देखो हमें थोड़ा सा ये लगा जैसे यहाँ पर आ गया थोड़ा सा मन करता है थोड़ा सा कहीं घूम के आए या ऐसा कुछ, मतलब जैसे मॉल रोड है या पब्लिक है, यहाँ तो मतलब बिल्कुल रिलीफ वाला मामला है कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ के आ जाओ और अपना दो तीन दिन रहो। हम लोग तो खैर आप आएंगे अगली बार तब ये बनाएंगे प्लान, अभी तो प्रोग्राम हमारा एक दिन का ही था,
चलिए मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छे प्लेसेस हैं। अगर आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जो अगर सोलन में आप जाते हैं तो क्योंकि यहाँ से कुछ देर ही लगते हैं, 15 से 20 मिनट लगते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा टेम्पल है जो अगर पूरे इंडिया में आप देखेंगे सबसे बढ़िया टेम्पल है, शायद आपको पता नहीं होगा, मोहन मिकिन हेरिटेज के नाम से है वो। और इतना बढ़िया है कि आप दूसरे टेम्पल्स है वो भूल जाएंगे। और इतना रिवर साइड के ऊपर है, तो आप अगर आइएगा तो वो जाएंगे, अभी जाएंगे। हाँ क्यों है ना, ठीक है। तो इसके अलावा एक जटोली टेम्पल है यहाँ पर, जटोली टेम्पल वो सोलन से 6 किलोमीटर है पर, लेकिन वो दूसरे रोड पर है। पहले आपको दूसरे रोड पर जाना पड़ेगा, एक दूसरे रोड पर है। तो यहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छी प्लेसेस है, लेकिन शायद आप बाहर से पहली बार आए हैं तो आपको इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि हाँ यहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छे प्लेसेस हैं। जैसे मार्केट तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि मार्केट अगर हिमाचल में या कहीं पे भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आप जाते हैं तो बस वहाँ पर लूटने का ही काम होता है, आपको पता ही है। पर लेकिन हाँ, खाने पीने का अच्छा होना चाहिए, खाना पीने। अब मैम से बात करते हैं, मैम से बात इस बारे में, क्योंकि खाने पीने में जो लेडीज़ हैं वो बहुत शौकीन होती है। खाना पीना बहुत अच्छा था, सारी डिशेज बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ। नेक्स्ट टाइम उन्होंने दिया स्पेशल, बहुत मस्त, बहुत अच्छा सब कुछ लगा। मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे। इतना अच्छा लगा यहाँ पर आके। वैसे तो बोलते हैं, यानी कि मैंने जब यहाँ पर होटल के रिसेप्शनिस्ट है और जीएम है उनसे बात की थी, तब तो वो बोल रहे हैं कि होटल बहुत बढ़िया है, पर लेकिन असलियत में तो जो ग्राहक होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, बहुत अच्छा लगा, तो वही बता सकते हैं। बहुत हमें बहुत अच्छा लगा। कोई गप तो नहीं मार रहे आप? नहीं। आपको पैसे तो नहीं मिले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो मैं आपको ये पूछा रहा हूँ कि हाँ जेन्युइन रिव्यूज़ हैं वो होटल के आप तक पहुँचे, आपको ये भी पहुँचे कि हाँ ज़्यादा पैसे खर्च नहीं की ज़रूरत नहीं है, छोटे मोटे आप कम पैसे में बहुत अच्छा इंजॉय कर सकते हैं। और अगर नेचर के करीब रहना है तो ली हेलिसियन जो ये होटल है ये आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपने आना है या नहीं आना है, वो तो आप इनके रिव्यू सुनकर आप यहाँ पर अपना आने का मूड बना सकते हैं, लेकिन हम आपको कंपेल नहीं करेंगे। आप खुद आइए, खुद बिलीव कीजिए, खुद देखिए और उसके बाद में और लोगों को भी सजेस्ट कीजिए। मैम भी बोल रही हैं कि हम भी औरों को भी बोलेंगे और खुद भी आएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। पहले तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं। रीता शर्मा, पानीपत हरियाणा से आई हूँ, जैसी क्लब से संबंधित हैं हम। तो हिमाचल में और जगह भी गए होंगे आप? शिमला वगैरह पहले गए हैं, यहाँ फर्स्ट बार आए। शिमला वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव है बहुत कहते हैं, आपको भी लगा था क्या? बस हम काफ़ी टाइम पहले गए थे तो और वैसे क्या क्या एक्सपेंसेस है क्या नहीं, ये तो अच्छा जेंट्स को भी करना होता है कि हमने खर्च करना है, पैसे इनने देने, एटीएम साथ में चलता है, एटीएम कार्ड। मैम अब जनरली मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि आप रहे यहाँ पर, रूम में सबसे पहले होते हैं क्लीनिनेस कि हाँ साफ सफाई होनी चाहिए, टॉयलेट साफ होने चाहिए, क्या टॉयलेट वगैरह साफ थे, बाथरूम साफ था, पानी आपको ठीक मिला कि नहीं? प्रॉपर गर्म पानी की भी व्यवस्था थी, ठंडे पानी की भी, पीने का, कॉफ़ी, चाय, मतलब ए टू जेड जो हमको चाहिए था वो हमको सब कुछ मिला। चलिए आप बताइए अब इसके लिए आपको कितने पैसे मिले? नहीं, 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 ऐसी कोई बात नहीं, कोई पैसे नहीं मिले। क्योंकि ना हमारे व्यूअर्स हमेशा यही बोलते हैं कि आप ना जब भी लोगों के पास जाते हैं शायद उनको कुछ पीछे से बैकअप किया होता है। हम भी दूसरों के इंटरव्यू देखते तो हम भी सोचते थे कि भाई वो बोलते होंगे ऐसे, पर एक्चुअली जब आज फर्स्ट बार हमारा इंटरव्यू हो रहा था हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, जो हम देखते हैं वो सच्चाई है, सही बोलते हैं लोग। सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको? मुझे सारी ही चीज़ अच्छी लगी, होटल से अंदर वेलकम जो किया वो भी हमको बहुत अच्छा लगा कि पहली बार किसी होटल में आया उसमें हमारा वेलकम हो रहा है, फूल टीके वगैरह आरती हुई सारा सब कुछ, और एक्चुअली सारी चीज़ें अच्छी थी, सफाई से लेके खाने से लेके सर्विस भी अच्छी है, हर चीज़। लेडीज़ का मैंने एक चीज़ गौर की है और मेरा अनुभव है वो बताता है कि वो हर एक चीज़ में कमी निकाल देते हैं। हाँ, नहीं यहाँ पर कोई ना कोई कमी तो होगी, आप क्या सुजेस्ट करेंगे कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए? 100% बताऊँ तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि हम जब लेडीज़ जाते हैं ना फर्स्ट हम जाके सफाई देखते हैं कि कमरा बाथरूम खोल के देखते हैं कि वॉश बेसिन टॉयलेट वगैरह सब, मतलब ए टू जेड सब नया है इसलिए सब कुछ सही था वो मैं नहीं कह सकती, पर मुझे सब कुछ परफेक्ट लगा। किसी चीज़ में मैं ये नहीं कह सकती कि खाना में ये था या बाथरूम सफाई अच्छी नहीं थी
या वेटर के, मतलब हमको सब कुछ अच्छा, सब कुछ गरम गरम खाना, सब कुछ चाय गरम, कॉफी गरम, जूस भी मिला ए टू जेड। मतलब जो एक बाहर आके बंदा सोचता है कि हमें चाहिए, वो सब कुछ इस होटल में हमको मिला। थैंक यू, थैंक यू। एक चीज़ और है, मैं जब यहाँ पर बात कर रहा था तो एक सर थे और वो बोल रहे थे कि मेरी टांग में दर्द है और मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन वो पीछे आके हमारे खड़े हो गए। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आई एनर्जी, कहीं खाना कोई ज़्यादा टेस्टी तो नहीं खिलाया? मतलब सब कुछ बहुत शानदार है, कोई चीज़ ये कमी निकालने की सोचे तो कोई नज़र आती नहीं। अभी आप जैसे पूछ रहे थे ना भाई कोई कमी, तो मैं भी सोच रहा था लेकिन मेरे को कुछ बताने लायक लगा नहीं भाई, क्या बताऊँ मैं, वाकई बहुत शानदार। जैसे 100 में से 100 नंबर बोलते हैं ना वो है जी। हरियाणा की लैंग्वेज में बोल के बता दीजिए कि हाँ क्या है। मतलब चाड़ा पाट दिया बनाने में है। होटल हॉस्पिटलिटी सब कुछ बहुत शानदार है। तो अब देखिए जैसे हरियाणा से ये लोग आए हैं और मेरे को पता नहीं है उसका मतलब क्या होगा, पर चाला फाट दिया इन्होंने बोला है, मतलब एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। तो ये एक्सीलेंट यहाँ पर कह रहे हैं, और ये कोई पेड नहीं है और मेरे को कोई यानी कि इसके लिए पैसे नहीं मिले, मैं आपको जेन्युइन यहाँ पर रिव्यूज़ है वो बताने का जो प्रयास है वो कर रहा हूँ, और वो ये इसलिए प्रयास कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि हाँ उन्होंने होटल से फाइनल बिल दे के निकल चुके हैं, आप लोगों ने रोक लिया तो अब हमारा ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो दोबारा जाना है या कुछ। वो देखिए आप, आपके सामने सब कुछ है और ऐसे ही लोगों के रिव्यूज़ हैं, हम लेते रहेंगे और जो अगर कमियां भी होगी वो कमियां भी आपको बताएंगे और कमियां क्या हो सकती है, उनको इम्प्रूव क्या कैसे किया जा सकता है, क्योंकि एक नया होटल है वो यहां पर खुला है। होटल के बारे में बताइए, आप यहां पर आए, चलिए नाम छोड़िए कि हाँ अभी कौन सा होटल है कौन सा नहीं है, हम तो ये बोलेंगे कि आप यहां पर आए, आपने इंजॉय किया, कितना किया, खाना आपको अच्छा लगा नहीं लगा, अगर कोई कमी है तो वो भी बताइए। कमी तो कुछ भी नहीं है। कमी तो कुछ नहीं है, साबुन मिल गया, तौलिया मिल गया, साफ़ सफाई जगह मिल गई, और सुबह सुबह चाय के लिए दूध मिल गया, पूड़िया मिल गई, केतली मिल गई गर्म करने के लिए, सब चीज़ मिल गई एकदम, किसी से हमने फ़ोन करके कोई चीज़ मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुल मिला के बात यह है, जैसे भाई साहब ने बोला चाला पट दिया, वाकई चाला पट गया पूरा। लठ गट गया, लठ लठ गट दिया। तो आप देखिए क्या मजेदार रिव्यूज है जो आप तक पहुंच रहे हैं, और वाकई ऐसे खुश मिजाज जो कहें कि जो यहाँ पर लोग आते हैं हरियाणा से, पंजाब से, और ये अगर इस तरह का होटल मिल जाए और खाना अच्छा मिल जाए तो एक जो खुशी है वो दोगुनी हो जाती है। नहीं तो कई होटल्स में आते हैं कस्टमर्स आते हैं और नाराज़ होके जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करके जाते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती। अब आपके सामने है ये जो फैमिली यहाँ पर आई हुई थी और पानीपत से यहाँ पर आई थी, और बहुत अच्छे स्वीट जो कपल हैं वो मुझे यहाँ पर लगे हैं और बहुत खुश होकर यहाँ से जा रहे हैं। जब ये जा रहे थे तो जाते हुए हमने इन्हें पकड़ लिया और जेन्युइन रिव्यूज़ हैं वो आप तो हम पहुँचा रहे हैं। अब देखना यही है, आपने विश्वास करना है कि ये कितना सच बोल रहे हैं या नहीं। विश्वास आपको तब होगा जब आप यहाँ पर खुद आएंगे और यहाँ पर रहेंगे और खाएंगे पिएंगे और जी एक्सीलेंट जी बिल्कुल। तो सभी खुश नज़र आ रहे हैं और इनकी खुशी ऐसी बरकरार रहे, और हम कहेंगे कि आपका जो सफ़र है वो भी बिल्कुल ठीक रहे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।